सब्जी ना बनी भी? हाँ सब्जी ना बनी, बन रही है। क्या बन रहा है इसमें? आलू टमाटर। इसमें कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, थोड़ी देर बाद करना। कैसी काम है? बस हो रही है। हाल है भाई? तबीयत खराब है। बस ना नहीं, वो पार गया मैच खेलने गया। चलिए बोतल लेके जावे नहीं जैसे कुछ? हाँ? या बोतल लेके जावे नहीं जैसे कुछ? हाँ नहीं। तो फिर क्यों रखो यार फ्रिज में? अरे ये फ्रिज छोटी थी है ना, सही होता पीने के लिए। बेकार रखो। तो मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ आलू की सब्जी बन रही है, हलवा बनाना है, आटा लग गया और रसोई भी साफ है मेरी, और मैं नंगे पैर बना रही हूँ। तो गाइस बना रही खाना क्योंकि आज मम्मी का श्राद्ध है और हमारे यहाँ श्राद्ध सुबह सुबह निकाला जाता है, इससे पहले हम कुछ चाय वगैरह कुछ नहीं लेते और घर को साफ़ करके बाहर से धो के मतलब पूरा घर साफ़ करके झाड़ू पोछा वगैरह लगा के नहा के फिर श्राद्ध निकालते हैं, फिर उसके बाद हम चाय वाय बनाएंगे अपनी, पियेंगे अपना नाश्ता करेंगे। और उसके लिए बना रहे हो आलू टमाटर की सब्जी और पूरी और हलवा, और पंडित जी को भी खाना जाता है हमारे यहाँ। पहले मम्मी का श्राद्ध निकलेगा, पंडित जी को खाना जाएगा, फिर घर में पूजा करेंगे हम अपने मंदिर की, फिर उसके बाद हम चाय पानी वगैरह कुछ भी बना के पी सकते हैं। तो इसलिए यार काफ़ी टाइम से मतलब अभी बीच में डाला था ब्लॉग, उसके बाद नहीं डाला क्योंकि मैं इन्हीं में लग गई श्राद्ध वगैरह में। पहले पापा और दादी जी का था और कल नौमी को दादाजी का था और आज मम्मी जी का है दसवीं को। और अब तो पता नहीं क्या हो रहा है कि एकादशी में कन्फ्यूज़न इतनी हो रही है, आज है कल है, आज है कल है, ये चल रहा है। हलवा किस चीज़ का बन रहा है? सूजी का बना ली थोड़ा सा, कल खीर बना ली थी, आज हलवा बना लो। खाओगे कि ज़्यादा बनाओ? थोड़ा बना मत ना खाओ, ऐसे ऐसे बना लेनी सी किट्टू ही खा लेंगे। खाएगा कौन से? सब्जी बन गई? कितनी निकलेगी इसमें? सब्जी गर्म कर लेना, पीठी की है। हाँ ये मैंने रखी है, खाओगे? ना नहीं, तुम ही खा लो। तो गाइस गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, ठंड आने का नाम नहीं ले रही और हम परेशान हैं गर्मी से, फिर वही फील आ रहा है दोबारा गर्मी वाला। और आप लोग बताना सब लोग कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है, भले जंगे हैं, बस थोड़ा सा नंदिका के पेपर थे इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है हमारा ब्लॉग। अब से डेली ब्लॉग आएंगे। आएंगे नहीं नंदिका? आप बनाओगे? मेरे बनाए पता नहीं आप लोगों को पसंद आते नहीं आते, मैं इसलिए थोड़ा कम बनाती हूँ कि मुझे अच्छा ही लगता कि क्या भाई जिसका व्लॉग है वो बनाए। और आप लोग नवरात्रों की तैयारी आप लोगों के घर में चल रही होगी अब तो, आज कौन? और एकादशी का फिर वही ड्रामा कि आज नहीं है, ट्यूसडे को रखेंगे, मंडे को नहीं है एकादशी। सो वंश अभी जा रहा है पैसिफिक मॉल, हमारे पास में ही खुला है मॉल जो कि जसौला में है, वो तो बहुत पास है। और वंश ऐसे ही जा रहा है, पास में है तो मैंने उससे बोला कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेना, तो
आपको मैं दिखाती हूँ वहाँ वो जो वीडियो बनाएगा, आपको तो पता ही है वो ऐसी वीडियो बनाता है, कभी पूरी बनाता है, कभी नहीं बनाता है, कभी 10 सेकंड की, कभी 20 सेकंड की, मतलब वीडियो बनाने लायक वीडियो तो बनाता ही नहीं है। तो अभी आप लोग देखो, अगर उसने कुछ बनाई हो तो है, तो मैं आगे डालूँगी। वंश आ गए अभी वापस, और मेरे चश्मे गाइस अब ये परमानेंट हो गए। वैसे उसने कहा था कि, वैसे उसने तो यही कहा था कि इसको 24 घंटे लगा के रखना है, लेकिन पापा ने ऐसे कहा था कि जब पढ़ने बैठे जब तभी लगाई हो, ऐसे मत लगाई हो, ऐसे तेरी फिर आग ठीक हो जाएगी। पापा ने कहा 10-15 दिन लगाओ फिर तेरी आग ठीक हो जाएगी। और अब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं चश्मे को हटा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अब तो ऐसा, अभी लड़की बिल्कुल अंधी हो चुकी है, माँ तो इसकी ठीक बैठी है, चेक नहीं करवाया अभी, चेक करवा लेना। सुन, दो चार पॉइंट तो अभी भी कम निकली, मुझे दूर का नहीं दिख रहा और पास का नहीं दिख रहा। तो मुझे दिख रहा है, मगर जितना क्लियर इसमें दिख रहा है तुझे उतना नहीं दिख रहा। पता नहीं, वैसे चश्मे से पहले सब कुछ दिखता था, और जिस चश्मे के बाद कहीं ना उस दिन से कुछ नहीं दिखा था, इतनी से हो गया। मम्मी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो कह रहा था इतना कम है, ये है वो है। हाँ तो था ही, जब उसने मुझसे ऐसे पढ़ के बताया था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वंश गया था पैसिफिक मॉल, हमारे पास में जसोला में खुला है। अब हमारे एक पैर गांव में और एक पैर मॉल में, ऐसा हम नहीं कहेंगे क्योंकि बाहर हम निकल नहीं पाते गाइस। ये नहीं जाती बेचारी, एक तो ये कुछ जानबूझ के भी नहीं जाती, पेपर 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 24 घंटे इसके सर पे घूसा हुआ है। अब प्रोजेक्ट बनाना, अब सीधा प्रोजेक्ट कर लग जाएगा। मनुष्य गया था मॉल, लेकिन बहुत बढ़िया मॉल है ना मम्मा। हाँ, उसकी मैंने इसमें रील में देखा था, अच्छा मॉल है, बढ़िया मॉल है जो हमारे यहाँ खुला है। लेकिन वंशी वीडियो नहीं बना के लाया, वो तो पूरे मॉल की, वो तो सिर्फ वहीं की बना के लाया जो वहाँ बनाई प्ले एरिया बनाया हुआ है। हाँ, वो उन्हीं के बना के लाया, बस जहाँ गया होगा ना अंदर प्ले एरिया में, भाई पूरी मॉल की नहीं बना के लाया वो, अपने मतलब की बनाता है वो, उतनी बनाता। सो इस व्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राधे राधे।